रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस ने किया छापेमारी। सिवान की दो लड़कियों को पकड़ा गया। अंदर का हाल देखकर पुलिस भी शर्म से कर ली अपनी आंखें बंद। मौके से तीन लड़कों को किया गया गिरफ्तार। हो गया भंडाफोड़। जी हां, एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की और सिवान के रहने वाली दो लड़कियों को पकड़ा और तीन युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बिहार के छपरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जनता बाजार थाना पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में गलत काम हो रहा है। छापेमारी में पुलिस ने दो युवकों को, एक किशोरी और एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने युवकों को जेल भेज दिया है और युवतियों का बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट भेजा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने रेस्टोरेंट के अलग अलग कमरों से दो युवकों को, एक किशोरी और एक युवती के साथ पकड़ा। गिरफ्तार युवकों में सिवान जिले के महाराजगंज थाना के पटेड़ा गांव निवासी गोल्डन गुप्ता और सारण जिले के एकमा थाना के परसागढ़ निवासी उमेश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि किशोरी और युवती सिवान जिले की रहने वाली हैं। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें बहला फुसला कर यहां लाया गया था और उनसे जबरदस्ती यह काम कराया जा रहा था। पुलिस ने मौके से तीन मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। जनता बाजार थाने में पॉस्को एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर समेत चार लोगों को नामजद किया है। पुलिस ने बताया है कि रेस्टोरेंट का मालिक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि जनता बाजार थाना में ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बिहार की बहुत बड़ी मंडी है, जहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यहां से ऑर्केस्ट्रा की बुकिंग होती है। यहां पर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में ऐसा काम काफी समय से हो रहा है। हालांकि अभी इस छापेमारी के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है।